नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। मात्र 460 रुपये का यहां पे आप लोगों को एक शेयर मिल जाएगा। क्या ये 460 रुपये का शेयर आप लोगों को करोड़पति बना सकता है? और हाँ, हाल ही में आज के दिन तत्व चिंतन फार्मा लिमिटेड, आप लोगों को पता है कंपनी लिस्ट हुई है। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को पहले ही दिन, लिस्टिंग के ही दिन, 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे दिए हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे ये कंपनी लगभग 125% के करीब जो है अप चल रही है अपने इश्यू प्राइस से। तो ये देख लीजिए, तत्व चिंतन फार्मा कैम लिमिटेड 2310 रुपये पे ये ट्रेड हो रहा था शेयर जब मार्केट आज के दिन में क्लोज हुआ। आप लोग देख सकते हैं लगभग 1000 रुपये के आसपास, मैं रफ आइडिया दे रहा हूँ, 1000 रुपये के आसपास इसका इश्यू प्राइस था। और कंपनी कहाँ जाके ओपन होती है देख लीजिए, 2100 रुपये के करीब कंपनी का जो शेयर था आज ओपन हुआ था। और मैक्सिमम इसने बनाया था अपना 2486 रुपये का, किसके ऊपर? BSE के ऊपर। तो ये कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी है। कंपनी का IPO आया था। और अब मैं इस कंपनी का बाप जिस शेयर को कह रहा हूँ उस कंपनी के बारे में आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो जो ये कंपनी है, अगेन जैसे कि तत्व चिंतन फार्मा कैम लिमिटेड से मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो जी हाँ दोस्तों, ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड ही कंपनी है, फार्मा प्रोडक्ट बनाती है। और इसके आप लोग कस्टमर देखिए, सबसे पहले किन किन लीडिंग कंपनीज को ये अपने प्रोडक्ट सर्व करती है देख लीजिए। कंपनी ने खुद अपनी वेबसाइट पे लिखा है, वी हैव डेवलप्ड रिलेशनशिप विद वेरियस लीडिंग इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज इंक्लूडिंग, देख लीजिए। तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लिस्टिंग गेन, जी हाँ दोस्तों, अगर एक दिन के अंदर ही आपका पैसा डबल हो जाए तो उस पैसे को अगर आप लोग एनुअलाइज रिटर्न में कन्वर्ट करें तो कितना हाई रिटर्न आपको मिलता है, ये आप लोगों को समझ जाना चाहिए। तो देख लीजिए, पिफाइजर यानी कि फाइजर को ये अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट दे रही है, सनोफी, जायदस कैडिला, इंटास, यहाँ पे कैडिला फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे सिस्टॉपिक, एमक्योर, एरिस। तो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को एक छोटी सी कंपनी जिसका कि अभी IPO आया है, IPO की डेट्स आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही साथ आप लोगों को बताऊंगा एक अचूक स्ट्रेटजी आप लोगों को किस तरह से बाय करना चाहिए। एक चीज़ ये देख लीजिए, विंडलास बायोटेक के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। विंडलास, अब ये देख लीजिए, ये कंपनी जो है IPO लेके आई है अपना। अब IPO तो ले आई है, उससे पहले हमें कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कंपनी करती क्या है, तो सर्विसेज किस तरह की प्रोवाइड करती है। पहले तो ये बता देता हूँ कि top 5 कंपनीज़ में है ये एक कंपनी इंडिया की। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के अंदर top 5 कंपनीज़ में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है अपने सेक्टर में। और कौन से सेक्टर में क्या करती है ये कंपनी, ये देख लीजिए, CDMO सर्विसेज यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, CDMO इंडस्ट्री में इंडिया में ये top 5 कंपनीज़ में आती है। और अगर इस कंपनी की बात की जाए तो CDMO सर्विसेज बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियाँ जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही नाम दिया कि कौन कौन सी कंपनियाँ इसके कस्टमर है, फाइजर है, सनोफी है, जायदस कैडिला, बहुत बड़ी बात है। तो ये मान लीजिए मेनली जो ये विंडलास कंपनी बायोटेक कंपनी है, ये कंपनी जो है क्या देती है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को ये प्रोडक्ट अपने बेचती है। और यही एक खास बात है कि ये कंपनी अपना IPO अभी लेके आई है। आप लोगों को पता है IPO मार्केट काफ़ी गर्म है, और साथ ही साथ अदर कंट्रीज़ को भी ये कंपनी जो है विंडलास बायोटेक जो है अदर कंपनीज़ को भी अपने और अदर कंट्रीज़ को भी अपने प्रोडक्ट जो है सेल करती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें ये कंपनी करती है। जैसे कि CDMO, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया CDMO सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, डोमेस्टिक ट्रेड जेनेरिक एंड ओवर द काउंटर ब्रांड्स और एक्सपोर्ट, ये तीन चीज़ें ये कंपनी काम कर रही है। और कौन कौन से फील्ड्स के लिए, इसके मेनली जो प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट हैं क्रोनिक थेरोप्यूटिक कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको क्योर करने के लिए जो मेडिसिंस बनती हैं उन मेडिसिंस को बनाती है ये कंपनी विंडलास
बायोटेक। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जेनेरिक मेडिसिन ये कंपनी बनाती है और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स जेनेरिक प्रोडक्ट्स भी ये कंपनी बनाती है। तो कंपनी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। पिछले साल से जब से कोविड आया, फार्मास्यूटिकल कंपनियों में अच्छा खासा बूम यहाँ पे देखा जा रहा है। काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे इन्होंने अपने प्रोडक्ट को फैलाया है और खुद इस कंपनी ने देख सकते हैं आप लोग, खुद इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड वाइड में पहुँचाने की कोशिश की है। तो चलिए अब विंडलास बायोटेक का मैं आप लोगों को रेवेन्यू, साथ ही साथ एक्सपेंसेस, नेट इनकम और मार्जिन बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखें कंपनी की रेवेन्यू, तो 2019 में कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू थी 311 करोड़ रुपए की जनरेट हुई थी, जो कि 2020 में 331 करोड़ रुपए की हो गई और 2021 में 430 करोड़ रुपए की। बहुत बड़ी बात है, एक छोटी सी कंपनी, इस कंपनी का रेवेन्यू हर साल बढ़ता चला जा रहा है। अब तक तो चिंतन फार्मा कैम लिमिटेड तो हाथ से निकल गया, पछता के कुछ भी नहीं हो सकता है। अचूक स्ट्रेटजी यहाँ पे ये है, अगर आप लोगों को इस आईपीओ को बाय करना है, सब्सक्राइब करना है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि पहले ही दिन इसमें अपना सब्सक्रिप्शन के लिए डाल देना चाहिए और एक से ज़्यादा पैन कार्ड पे डीमैट अकाउंट ओपन करवा के आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि केवल अपने पैन कार्ड से ही अप्लाई करते हैं, जैसे 5 लॉट्स कर दिए, 6 लॉट्स कर दिए, उसमें ज़्यादा बेनिफिट या ज़्यादा चांसेस आप लोगों को आईपीओ मिलने के नहीं होते। बल्कि अगर आप एक से ज़्यादा पैन कार्ड का इस्तेमाल करके डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और हर एक डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है मिलने की। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ मिलने की। तो ये फॉर्मूला ज़रूर आप लोग अपनाइएगा। अब आप लोगों को पता है पैन कार्ड एक इंडिविजुअल का केवल एक ही बनता है, तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अदर लोगों के पैन कार्ड, जैसे अपने आपकी फैमिली में, लेकिन उनकी कंसेंट के बिना ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए टॉपिक पे आते हैं, एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के बारे में देखेंगे तो 2019 में 284 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस हुए थे। अगेन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, लेकिन नेट इनकम की बात की जाए तो नेट इनकम कंपनी की अच्छी खासी रही और प्रॉफिट का जो ये मार्जिन, ये मार्जिन भी अच्छा खासा यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है लगभग 8.5 रुपए के आसपास है। कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखा जाए तो 18% के करीब और नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV 109 रुपए पर शेयर के करीब है। जी हाँ दोस्तों, तो कंपनी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई चली जा रही है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव बता देना चाहता हूँ मैं कि क्यों ये IPO आया है। सबसे पहले तो इनका जो देहरादून में जो प्लांट है उसका एक्सपेंशन करना है, उसके लिए इनको पैसा चाहिए और इसीलिए ये कंपनी जो है IPO लेके आई है। साथ ही साथ टू फाइनेंस इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इंक्रीमेंटल, उनको फुलफिल करने के लिए। साथ ही साथ रिपेमेंट प्रीपेमेंट ऑफ कंपनीज बोरोइंग, यानी कि कंपनीज ने जो उधारी ली हैं उनकी पेमेंट करने के लिए और जनरल कॉरपोरेट पर्पजेस। तो कंपनी अपना मेनली क्या करना चाहती है, एक्सपेंशन करना चाहती है। अब कंपनी के IPO के बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। विंडलास बायोटेक IPO के बारे में बता रहा हूँ, 4 अगस्त के दिन ये IPO ओपन होगा। 3 दिन आप लोगों को पता है ओपन रहता है मेन बोर्ड पे, तो 3 दिन यानी कि 6 तारीख को ये IPO क्लोज हो जाएगा। इश्यू टाइप अगर आप लोगों को बताया जाए तो बुक बिल्ड इश्यू IPO है और 5 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। और IPO का जो प्राइस है 448 रुपये से लेकर 460 रुपये पर इक्विटी शेयर का है। आप लोगों को पता है IPO की रेंज डाली जाती है ये, तो यहाँ पे 460 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर आप लोग इसे बाय करते हैं शेयर को, और मार्केट लॉट जो है 30 शेयर का है, तो आप लोग यानी कि जब भी IPO आता है तो सब्सक्रिप्शन के लिए 1 शेयर या 2 शेयर कभी भी आप लोग इस तरह से बाय नहीं कर सकते। एक लॉट बनाया जाता है एक्सचेंजेस के द्वारा और ये लॉट के मुताबिक ही आप लोगों को ये शेयर यहां पे बाय करने होते हैं। तो आप लोग अगर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी डालना चाहते हो तो 30 शेयर से कम तो बिल्कुल भी खरीद नहीं सकते। ये कहां कहां पे लिस्ट होगा, ये BSE और NSE दोनों जगह ये कंपनी जो है लिस्ट होगी। तो यानी कि आप लॉट बता दिया, 30 शेयर का एक लॉट है और 460 रुपये मैक्सिमम सीलिंग है इस कंपनी के शेयर की अकॉर्डिंग टू IPO। जी हाँ दोस्तों, IPO अगर ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं तो अपने आप ही ये बाद में उछाल मार देगा, जैसे कि आज तत्व चिंतन फार्मा कैम लिमिटेड ने मारी है और इस कंपनी के भी चांसेस है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस रही है, कंपनी अच्छी खासी कंपनी है विंडलास बायोटेक। जी हाँ,
तो 460 रुपये का शेयर जो है लॉन्ग टर्म में जाके आप लोगों को लखपति करोड़पति आसानी से यहाँ पे बना सकता है। कंपनी में जैसे कि मैंने बताया मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो 13,800 रुपये आप लोगों को चाहिए होंगे, और मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कि आप लोगों को मिलेंगे 420 शेयर। इसके लिए आप लोगों को 1,93,200 रुपये, जी हाँ दोस्तों 1,93,200 रुपये चाहिए होंगे। अब ये बता देना चाहता हूँ कि प्रमोटर की होल्डिंग जो कि प्री इश्यू यानी कि जो पब्लिक इश्यू से पहले की जो शेयर होल्डिंग है उनकी 78% की, और इश्यू के बाद उनकी जो शेयर होल्डिंग रह जाएगी वो रह जाएगी 65% की, जी हाँ दोस्तों। तो आप लोगों को IPO को बाय करने के लिए, शेयर्स को बाय करने के लिए, शेयर्स को सेल करने के लिए, IPO को सब्सक्राइब करने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए होगा, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने 4 लिंक दिए हैं, अपस्टॉक, जीरोदा, एंजल ब्रोकिंग, एलीस ब्लू, चारों के लिंक पे क्लिक करें, अकाउंट ओपन करें और एंजॉय करें चारों की सर्विसेज। साथ ही साथ एक चीज़ कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि शेयर मार्केट के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे और हम लोगों को भी इनकरेजमेंट मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।